दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस टेक्निकल इंडिया में। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर सैमसंग की A52 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है। वीडियो को पूरा देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन कब इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है, क्या स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि A52 स्मार्टफोन में आपको क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलेंगे जब इस इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाला है, यानी अगले महीने, और इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है सैमसंग की तरफ से, जो कि आज हम इस वीडियो में आपसे बताएंगे। तो अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो एक बार हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी और भी स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हो तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर फाइनली बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉन्ट के गोला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। अगर पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई भी कॉर्निंग गोला ग्लास देखने को नहीं मिलने वाला है। और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का ही मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बैक कैमरा काफ़ी अच्छे स्पेक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए बैक कैमरा इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर वही स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ निकल कर आई कि स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी पिक आपको प्रोवाइड करा देगा। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे काफ़ी कमाल की प्रोवाइड स्पेक्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो यहाँ पर कैमरे के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। और वहीं पर हम नज़र डालें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक डुअल 5G प्रोसेसर है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों प्रोसेसर तो काफ़ी अच्छा है सैमसंग का, यहाँ पर बजट फोन बनाने की तैयारी की जा रही है सैमसंग की तरफ से, एक 5G जो बजट फोन होगा। और यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रियलमी की X7 सीरीज यहाँ पर 4 फरवरी को लॉन्च होने वाली है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5G के साथ में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर के जरूर से देखिएगा। और ऊपर आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप एक बार जाकर के जरूर से देखिएगा। अब दोस्तों वहीं पर बात आती है स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो 4000 mAh की होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर फास्ट चार्जिंग तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर आपको कौन सी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सैमसंग आपको कौन सी चार्जिंग दे सकता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है, जो कि सैमसंग के ज़्यादातर स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों वहीं पर बात आती है स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च और प्राइस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो लॉन्च किया जाएगा, और उसकी जो प्राइस होगी दोस्तों यहाँ पर 19,999 रुपये हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20,000 रुपये में ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जा सकता है। अगर हम स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 19 फरवरी को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने 19 फरवरी को ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों स्मार्टफोन किस प्राइस पर इंडियन मार्केट में आना चाहिए, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।